أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم मेरे प्यारे नाज़रीन उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। शाकरा मलक एक नया वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे पता है मेरी प्यारी बहनें बहुत प्यारे प्यारे तरीके की चाट फ्रूट चाट बनाती हैं, तो हमने सोचा आज हम अपना तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। तो मेरा कैमरा आपको क्लोज अप करके सारे फ्रूट दिखाता है जो हमने फ्रूट में इस्तेमाल करने हैं चाट के अंदर। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हम बना रहे हैं चाट फ्रूट चाट का वीडियो। आपके सामने सब कुछ मिक्स करेंगे और आपने देखना है गौर से कि हमने अपने फ्रूट चाट में क्या क्या डालना है। आपको हम कैमरा क्लोज करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लगेगी। फिक्र नहीं करना, चाट कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है ना, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा चाट बनाने का तरीका क्या है। और आपने भी मुझे कमेंट्स में बताना है कि अगर मेरे तरीका कुछ थोड़ा डिफरेंट है तो आपने मुझे बताना है कि आप कैसे बनाते हैं। ऑनेस्टली बड़ी यमी यमी फ्रूट चाट हमारी बनती है, बिल्कुल पाकिस्तान की याद ताजा हो जाती है। पाकिस्तान रेडियो पे नहीं खाते थे फ्रूट चाट, बिल्कुल वो टेस्ट आता है हमारी चाट का। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में दही भल्ले भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी चाट बनाना। जी अब देखें, ये हमने एप्पल काटे हैं और अमरूद, ये एप्पल और अमरूद, इसको हम मिक्स करते हैं इसके अंदर। इनको हमने इकट्ठा काट लिया है, एप्पल और अमरूद को। मेरे बहन भाइयों गौर से देखना आपने, ये हो गए हमारे एप्पल और अमरूद। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं केला। मैं आपको आराम आराम से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ लग जाए। ये देख लीजिए, ये हमारे चले गए बनाना। अब हम इसमें मिक्स करते हैं ग्रेप्स, ये देखिए ये चलेगी हमारी ग्रेप्स। आपकी मर्जी, आप जिस तरह के मर्जी फ्रूट डालें चाट डालें, लेकिन हम बना रहे हैं पाकिस्तान जैसे रेड़ियों की चाट होती है। फ्रूट तो हमारा हो गया मिक्स, अब आपकी मर्जी आप इसमें जो भी डालें, आपका अपना तरीका है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, हमने डालना है ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, नमक और शुगर। फ्रूट के हिसाब से आपने डालनी है ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और उसके बाद हम डालते हैं, ये हमने तकरीबन 6 लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस हमने निकाला है, इसको शामिल करते हैं। बहुत यमी यमी हो जाती है लेमन जूस के साथ। और अब जो लास्ट हमने, ये हमने मैंगो जी नहीं होते मैंगे, मैंगो पल्प मिलता है दुकानों पे, मैंगो पल्प बहुत ही आपको आज मजा आने वाला है। अब इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। थोड़ी ब्लैक पेपर पे ऐसे मुझे स्मेल आ रही है, ब्लैक पेपर पता थोड़ी स्ट्रांग होती है ना। ये देखेंगे, अब हमने डालना है लास्ट। आप कोई भी चाट मसाला ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये लिया है नेशनल का, क्योंकि ये बहुत यमी यमी होता है, नेशनल का चाट मसाला। ये हो गया जी चाट मसाला, अब इसको करते हैं मिक्स। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ लग गई होगी। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, जो जो आपने अपना फ्रूट काटने हैं काटे, लेकिन हमने डाले हैं एप्पल, अमरूद और अनार, अंगूर आपने सामने देखा है, बनाना। कुछ लोग पपीता भी डालते हैं, मेरी सिस्टर लेके आई थी, लेकिन मैंने पहले कभी यूज नहीं किया तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। लेकिन आपकी मर्जी, आपको जो जो फ्रूट पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हैं। और मैं दोबारा बता दी हूँ, इसमें हमने डाली है काली मिर्चें, नमक और चीनी और फ्रूट चाट मसाला। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है, और यकीन करें बहुत ही यमी यमी बनती है। आपने खाना है और मुझे फिर मुझे कमेंट्स में बताना है। जब आप कमेंट्स करते हैं ना, उसमें आपने मुझे बताना है कि आपको ये तरीका हमारा कैसा लगा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। बस ये आपने ख्याल रखना है कि चीजें जो है वो इसमें हिसाब के साथ डालें, ये ना हो कि कुछ ज्यादा ना डाल दें मिकदार में। जैसे आपने मुझे देखा है, मैंने हर चीज अंदाजे से डाली है, क्योंकि मुझे पता है मेरा फ्रूट कितना है, तो मैंने अपने फ्रूट के हिसाब से इसमें सारी चीजें डाली हैं। तो ये हमारी चाट हो गई है तैयार, आइए अब हम इसको करते हैं डिश आउट। उम्मीद है मेरे बहन भाइयों को अच्छी तरह समझ लग चुकी होगी कि हमने फ्रूट चाट कैसे बनानी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। तो आज सना की हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सना, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जितने भी मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों बहनों भाइयों की आज बर्थडे है, सबको हैप्पी बर्थडे।
और इसके अलावा मैंने अपने कमेंट्स खोल लिए टिकटॉक पे, आपको पता होगा, अब आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। आपने पूछा से कमेंट क्यों बंद किए हैं, उसका एक रीजन था, कुछ लोग नेगेटिव भेजते हैं। मैं कहती हूँ आप किसी की सलाह करें, जरूर करें, तनकीद करें, लेकिन गंदे गंदे मैसेज भेजना बहुत बुरी बात है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो लेकर आपकी खिदमत में जल्दी हाजिर होंगे। शाकरा मलक को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगेबान।